अरबी दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सीमा पर तनाव बढ़ा, चीन ने भारतीय सीमा के पास तैनात किए अत्याधुनिक B-96 युद्धक टैंक। मोदी नेतन्याहू दोस्ती से पाकिस्तान बुरी तरह घबराया, भारत और इसराइल को बताया शैतान मुल्क। राजस्थान में जोधपुर जिले के बालेसर थाना क्षेत्र के गोपाल सर गाँव में वायुसेना का MiG-23 दुर्घटनाग्रस्त, दोनों पायलट सुरक्षित। भारत को बड़ी सफलता, ब्रिटेन में बुरहान वानी की याद में होने वाली रैली रद्द। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में AK-47 लेकर भागा सैनिक, आतंकवादी संगठन से जुड़ने की आशंका। इसराइल के हाइफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय नायकों को दी श्रद्धांजलि। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर मिली नौकरी वैध नहीं। महिला से कथित मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक जर्नैल सिंह, अमानतुल्लाह खान और सोमनाथ भारती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। लालू यादव की मानहानि मुकदमे की धमकी पर बोले सुशील कुमार, सजा याफ्ता भ्रष्ट व्यक्ति कैसे कर सकता है मानहानि मुकदमा। उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले के धामपुर क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा, 9 लोगों की मौत। भीषण बाढ़ से जापान बेहाल, हजारों लोगों ने किया पलायन। मध्य अफ्रीकन गणराज्य में ट्रक दुर्घटना में 78 लोगों की मौत। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।